आज मैं शिव कुमार सिंह कक्षा 9 प्रथम लेसन नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आप लोगों को इस पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। आप जानते हैं कक्षा 6, 7 और 8 में ये सब संख्याएं गिनती गणन की हुई सभी संख्याएं, जिसे गिनती में कहते हैं, गणन की हुई सभी संख्याएं 1, 2, 3, 4 जो भी होती हैं, ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यदि इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ दें तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, जिसे होल नंबर कहते हैं। अब इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या, जिसे इंटीजर कहते हैं, कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। इंटीजर में यह होता है ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और 0, ये तीनों संख्याएं इसमें निहित होती हैं। इसमें आप देखें निगेटिव संख्या जो होते हैं उसे निगेटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव होते हैं उसे पॉजिटिव इंटीजर और 0 को 0 इंटीजर कहते हैं। अब इन इंटीजरों, इन पूर्णांक संख्याओं को यदि संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए, आप कक्षा 7 में पढ़े होंगे, संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए कहा जाए तो आप एक रेखा खींचकर मिडिल टर्म में 0, उसके दाएं बगल धनात्मक संख्याएं, बाएं बगल ऋणात्मक संख्याएं आप डिनोट करते हैं, नोट करते हैं। अब इन संख्याओं के बीच में भी आप देखें कि इन दो संख्याओं के बीच बहुत सी छोटी छोटी संख्याएं होती हैं, जिसे भिन्नात्मक संख्या, दशमलव संख्या कहते हैं। यही संख्याएं आपको भिन्न के रूप में, जिसे परिमेय संख्या कहते हैं। आपका जो सिलेबस पढ़ाना है इस समय, परिमेय संख्या ही कहते हैं। भिन्न संख्या जैसे 3/5, 7/9, 11/12, ये सारी संख्याएं जो होती हैं भिन्न के रूप में, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये सभी संख्या देखिए, ये अभी नेचुरल नंबर है, यह भी नेचुरल नंबर है, या इंटीजर मिले तो पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, या सब भी इस तरह हम लेते हैं। इसके अलावा आप देखें तो 0/1 भी एक परिमेय संख्या होता है, लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं होता है। क्यों? क्योंकि किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान इंफिनिटी अनंत आ जाता है, जो परिमेय संख्या नहीं होती है। अब परिमेय संख्या की परिभाषा के रूप में चलें तो परिभाषा क्या होता है, यदि दो पूर्णांक संख्या P और Q, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पे Q 0 नहीं होता है, Q 0 नहीं होना चाहिए। अब इस तरह हम किन्हीं परिमेय संख्याओं के बीच की में देखें तो बहुत सी परिमेय संख्या मिलती है, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में, जैसे अभी हमने कहा है 1 और 2 के बीच में देखें तो छोटी छोटी बहुत सी परिमेय संख्याएं मिलेंगी। उसी प्रकार देखें किन्हीं दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना रहे तो कैसे करेंगे, उदाहरण के रूप में ले लें 2 और 3 के बीच की 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना। आपको जब इस तरह की संख्याएं किन्हीं दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना रहता है तो उसके लिए आप यही कहते हैं, जितनी संख्या ज्ञात करनी रहती है उसमें 1 जोड़ देते हैं, यानी 3 संख्या ज्ञात करना है, 3 × 1 बराबर कितना हो गया 4, 4 हो गया। अब 4 से 2 और 3 में भाग दे दें और गुणा कर दें, यानी 2 × 4 / 4 तथा 3 × 4 / 4 देखिए आ गया 8/4 और 12/4। अब इन दो संख्याओं के बीच में हमें 3 परिमेय संख्या लिखना है, इसके बीच में लिखते चलें, आप देखें तो 3 परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। कौन कौन सी मिलेंगी, 8/4 कामा 9/4 कामा 10/4 11/4 और 12/4 या 12/4 के बीच में यह 3 परिमेय संख्याएं मिल गई। इस तरह आप किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब इस तरह ज्ञात करने के बाद आप अपने प्रथम प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसे हल करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे, जो नहीं आएगा फिर बताएंगे। कल मैं आप लोगों को बताया था परिमेय संख्या,
परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, जहां क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। या यह कहें कि किसी भी पूर्णांक संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखने को परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन परिमेय संख्याओं के साथ ही साथ अपरिमेय संख्या भी होती है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तब वे कौन सी संख्याएं आएंगी जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं? अब इस रूप में लिखने के लिए जैसे परिमेय संख्या आपने लिखा भिन्न के रूप में लिखेंगे, भाग देंगे, तो आपको इस तरह 1.5, 1.23, 1.5 तो इस तरह की कोई संख्या बार बार आती रहेगी। और कुछ संख्या में भाग देंगे तो संख्याओं का रिपीटेशन यानी बार बार नौ आना, अलग अलग संख्याएं आएंगी। तो जहां इस तरह की संख्याएं आती हैं, एक ही संख्या बार बार नौ आए, उस संख्या भिन्नात्मक संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या मैक्सिमम अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल ही कहा जाता है। जैसे कर्णी में 2, कर्णी में 3, कर्णी में 5, पाई, ये सब संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। इन अपरिमेय संख्याओं को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो संख्या रेखा आप जानते हैं रियल नंबर वास्तविक संख्याएं जो कक्षा 10 में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहां जानना है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण करना रहे तो कैसे करते हैं? तो संख्या रेखा कल बताए थे, तो संख्या रेखा पर आप जानते हैं निरूपण करने के लिए 0, 0 के दाएं बगल धनात्मक इंटीजर, बाएं बगल ऋणात्मक इंटीजर लिख लेते हैं, और इन दोनों के बीच की संख्याएं जो होती हैं वह अभिन्न सी पाई जाती हैं। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में मान लें कोई अपरिमेय संख्या है तो उसको डिनोट कैसे करेंगे? उदाहरण के रूप में ले लें, कर्णी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हम कैसे संख्या रेखा पर डिनोट करेंगे? तो कर्णी में 2 को अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए एक एकक वर्ग इकाई का वर्ग लेना है, एकक इकाई का एक वर्ग लें। जैसे ओ ए बी सी एक वर्ग लिया, एकक इकाई का मकसद होता है 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा। जब ये दोनों बराबर लेंगे तो आप पाइथागोरस परमे से आप निकाल सकते हैं ओबी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। तो अब ओबी बराबर हो जाएगा कर्णी में ओ ए स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर। अब ओ ए और ओबी का मान रख दें, ओ ए बराबर 1 सेंटीमीटर, ओबी बराबर 1 सेंटीमीटर, एक का वर्ग और एक का वर्ग रखेंगे तो कर्णी में 2 आ जाएगा। अब इस कर्णी में 2 यानी इसका मान जो है वह इसके डायगोनल जो है वह कर्णी में 2 के बराबर हो जाएगा। अब इसको संख्या रेखा पर दिखाने के लिए आप चतुर्थांश का नियम कक्षा 7 में पढ़े होंगे, इस तरह चतुर्थांश इस तरह की एक संख्या रेखा पर ले लें जिसे 0 सेंटर कहते हैं। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस, 1 सेंटीमीटर वाई एक्सिस पर ले लें और इन दोनों का कटिंग बिंदु जहां होता है उसको मिलाकर और यहां से यहां तक की दूरी जब लेंगे यह कर्णी में 2 के बराबर होती है। और इसी के बराबर त्रिज्या लेकर चाप से एक चाप काटेंगे जो एक्स अक्ष पे जहां काटता है यही पॉइंट कर्णी में 2 को निर्देशित करता है। आप जानते हैं किसी भी वृत्त, यह कर्णी में 2 क्यों इतना ही होगा, हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त को केंद्र से और उसके परिधि को मिलाने वाली रेखा हमेशा हर एक जगह समान होती है। यह दूरी कर्णी में 2 है, यह दूरी भी कर्णी में 2 होगी। इस तरह आप लोग दिए गए प्रश्नावली में कर्णी में 2, कर्णी में 3, कर्णी में 5 इत्यादि का मान निकालने को कहता है, उसका मान निकाल लेंगे। परिमेय और परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं भी थोड़ा बहुत बताया गया था, लेकिन यहाँ फिर मैं उसको दोहराते हुए आप लोगों को वास्तविक संख्याओं एवं दशमलव उनके दशमलव प्रसार कैसे किए जाएंगे इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले यह जान लें कि वास्तविक संख्या कहते किसे हैं। वास्तविक संख्या सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब इन संख्याओं में देखें आ रहा है शब्द परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय संख्या आप लोगों को बताया गया है कि परिमेय संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखें जहां क्यू नॉट इक्वल टू जीरो यानी क्यू जीरो नहीं होने चाहिए।
जैसे 1/3, 7/5, 7/6 इत्यादि संख्याएं हो सकती हैं आपके परिमेय संख्याओं के रूप में, और इन्हीं परिमेय संख्याओं को यानी वास्तविक संख्या, यह सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होंगी, और इन संख्याओं को दशमलव रूप में कैसे बदलेंगे इसके लिए आपको दशमलव प्रसार मैं बता रहा हूं। जैसे आपने उदाहरण देखा 1/3, 7/5, 1/3 का भाग दें तो 0.333 आएगा, इस तरह भाग देते जाए बहुत बार आएगा। उसके अलावा 7/5 से भाग दें तो देख रहे हैं 1.4 के बाद यह संख्या कट जा रही, 0.0 हो जा रहा है या काट देते हैं। दूसरा दे रहे हैं 7/6 का भाग दें तो 1.166, यानी एक संख्या छोड़कर बाद में यह 6-6 रिपीट होते चले जा रहे हैं। इसके अलावा यदि एक और उदाहरण लेना है 1/7 से भाग दें, यानी 1/7 में 1/7 से भाग दें तो आपको मिलेगा 0.1, भाग देंगे इस तरह भाग देते जाएं 1, 4, 2, 8, 5, 7 भाग दें तो देखें आप एक पहली बार भाग देंगे शेष 3 बचेगा, दूसरी बार भाग देंगे शेष 2 बचेगा, तीसरी बार 2 से भाग देंगे शेष 6 बचेगा, 8 से भाग देंगे शेष 4 बचेगा, 5 से भाग देंगे शेष 5 बचेगा, फिर 7 से भाग देंगे शेष 1 बच गया, फिर वही संख्या आ गई। यानी आगे फिर भाग दें तो यह संख्या फिर यही यानी यह 6 संख्याएं फिर रिपीट होती चली जाएंगी, यानी एक संख्याओं का एक बड़ा सा समूह रिपीटेशन के रूप में मिल रहा है। तो अब पढ़ें इन जिस तरह की संख्याएं मिल रही हैं, तीस दशमलव प्रसार को हम कहते क्या है। दशमलव प्रसार में आपको जब दशमलव संख्याओं में दशमलव प्रसार आपको आता है शांत और अशांत, तो शांत के रूप में चले तो शांत दशमलव किसे कहते हैं, जब किसी संख्या में हम किसी संख्या से भाग देते हैं, भाग देने के बाद यदि दशमलव के कुछ अंकों के बाद वह शेष 0 हो जाए, 0 हो जाए, यानी पूरी पूरी कट जाए, भाग पूरी पूरी चल जाए, तो वहां शांत दशमलव होता है, या उसे परिमेय संख्या के रूप में सीधे सीधे डिनोट कर देते हैं। यह भी परिमेय संख्या, जैसे आप देखें 7/5 का दिया, एक दूसरे ही अंक पर आपका भाग पूरा पूरा चला गया। इसके अलावा अशांत दशमलव में आता है, तो अशांत दशमलव उसे कहते हैं जिसे भाग देने पर, जैसे देखें 3-3 या संख्या अलग अलग आती चली जाती है, इस तरह जब संख्या आती है उसे अशांत दशमलव कहते हैं, और इस संख्या को हम अब एक और भाग में पढ़ेंगे। जैसे पढ़े अशांत दशमलव, अशांत दशमलव में दो रूप आपको मिल जाएंगे, इसमें देखें एक अनावसनी आवर्ती, एक अनावसनी अनावर्ती। अनावसनी आवर्ती किसे कहते हैं, जैसे 1 में हमने 3 से भाग दिया तो दशमलव के बाद एक संख्या देखिए 3-3 रिपीट होती चली जा रही है, दशमलव के 7/6 से भाग दिया तो 1 के बाद 1 संख्या के बाद 6-6 रिपीट होती चली जा रही है, 1/7 से भाग दें तो 0.0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों के बाद यही संख्या फिर मिलती चली जा रही है। इस तरह यदि किसी एक ही संख्या या एक से अधिक संख्या बार बार आती रहे तो इस प्रकार की संख्या को हम अनावसनी आवर्ती संख्या कहते हैं। और इसके बाद आता है अनावसनी अनावर्ती संख्या, कहीं कहीं परिमेय संख्याएं ऐसी भी मिलती हैं जिसमें भाग देने पर संख्याएं कटती नहीं है लेकिन अनेक मान मिलते चले जाते हैं। जैसे आपने देखा है कर्णी में दो का मान देखें तो आपके जो 0.314 इस तरह करके आते हैं, एक संख्या अलग अलग संख्याओं के रूप में आती चली जाती है। इस तरह हम यह देखेंगे कि यह संख्या की अलग अलग रूपों में मिलती चली जाती है। अब हम देखें कि इसे लिखेंगे कैसे। इसके बाद आप लोगों को एक चीज और आता है कि इस संख्या को कैसे हम डिनोट करेंगे परिमेय संख्या के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में हम किस तरह डिनोट करेंगे। देखिए अब दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे, दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलने के लिए जैसे आपको उदाहरण दे दिया गया कि 1.14 को परिमेय संख्या के रूप में बदलिए, जब इसको बदलना रहे तो यह एक फिक्स संख्या है यानी इसके बाद कोई संख्या है नहीं, इस तरह की संख्या मिलती है तो दशमलव के बाद जितने अंक रहते हैं 1 के बाद उतने शून्य लगाकर नीचे ऊपर गुणा कर देते हैं और यह संख्या परिमेय संख्या के रूप में बदल गई। जैसे देखिए 114/100 हो गया, यह अभी
पूर्णांक संख्या है या भी पूर्णांक संख्या है, भिन्न के रूप में हो गया, तो इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। दूसरा आपको मिलता है यदि 0.333 या अन्य कोई भी संख्या मिले, इसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदलेंगे? जब यह संख्या अलग अलग बढ़ती चली जा रही, इसका कोई अंत नहीं, तो इसको बदलने के लिए हम एक कंट्रडिक्शन यानी मानने के रूप में चलते हैं। माना यक्स बराबर 0.333 इस तरह की संख्या, इसे समीकरण एक लिख लिए। अब क्या करें, दोनों तरफ इस समीकरण के दोनों तरफ 10 से गुणा कर दें। 10 से गुणा करने का मकसद यह हो जाएगा, इधर 10x हो जाएगा और 10 से गुणा करेंगे तो 0.1 स्थान खसक जाएगा, 3.333 इस तरह हो जाएगा। इसे आने के बाद हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दें, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दें। घटाएंगे तो हमें मिलेगा 10x माइनस एक्स बराबर 3.333 - 0.333। इसे डांट डांट लिखते जाएंगे क्योंकि यह संख्या अनंत होती है, इसकी कोई निश्चित नहीं है। अब घटाएंगे तो देखिए दशमलव संख्या से दशमलव संख्या कट जाएगी, बचा कितना, 10 में से घट जाएगा 9x बराबर 3, x बराबर 3/9, x बराबर 1/3। यह परिमेय संख्या के रूप में बदल गई। इस तरह कई क्वेश्चन आपके चैप्टर में दिए गए हैं जिसे आप हल करेंगे। इसमें कल आप लोगों को बताए थे दशमलव के बाद एक संख्या हो तो उसे परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदलेंगे। इस तरह आपको कई तरह की संख्याएं मिलती हैं, दशमलव के बाद 2 अंकों का पुनरावृत्ति होता हो, दशमलव के बाद 1 अंक छोड़कर तब अंकों की पुनरावृत्ति होती हो, या दशमलव के बाद 3 अंक या उससे अधिक अंक होकर पुनरावृत्ति होती हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे, इसके लिए सिर्फ आप इतना जरूर ध्यान दें कितने अंकों के बाद पुनरावृत्ति हो रही है, उस अंक को दशमलव के पहले लाना है। उस अंक को क्या करना है, दशमलव के पहले लाना है। तो देखिए यहाँ 1.27 है, 2 अंकों पर बार लगा हुआ है, यानी 2727 आता चला जाएगा, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 के बाद 7 फिर 27 फिर 27 आता जाएगा। इसके लिए हमें 2 अंकों की पुनरावृत्ति है तो हम इसमें 100 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 100 से, इस समीकरण में 100 से गुणा करेंगे क्योंकि ये पूरी संख्या इधर चली है। यदि एक अंक था तो कल हम 10 से गुणा किए थे, आज देखें 2 अंक है तो 100 से गुणा कर रहे हैं, तो इसमें 100 से गुणा करने के बाद हमें मिल जा रहा है कि माना x बराबर 1.2727 तीसरा समीकरण होगा, 100 से गुणा कर दें तो 100x = 127.27 होता चला जाएगा। अब क्या करें, अब इस समीकरण को, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा दीजिए, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा दें। क्यों यही रुक जा चल जा रहे हैं, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद की संख्या घटाने पर समाप्त हो जाएगी, हमें दशमलव की ही संख्या समाप्त करनी है, क्योंकि दशमलव इस तरह आता रहेगा तो संख्या को परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। जब दशमलव समाप्त हो जाएगा हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दें तो 100x - x = 126, तो 99x = 126, तो x = 126/99 जो एक परिमेय संख्या के रूप में हो गई। अब इसी तरह दूसरे उदाहरण पे चलें। दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है कि मानना इसमें दिया 2.1 और उसके बाद 3, 3, एक अंक छोड़कर रिपीटेशन हो रहा है, यहां एक अंक छोड़कर रिपीटेशन हो रहा है, तो हमें जो संख्या है उस संख्या को दशमलव के बाद जितनी जो संख्या रिपीट हो रही है दशमलव वहां लाना है और उसके बाद तब बदलना है। तो देखिए दशमलव 1 अंक के बाद हो रहा है तो ऐसी संख्या से गुणा करें कि यह दशमलव जिस संख्या से बार बार आ रही है वहां चला जाए। तो हम पहले बार 10 से गुणा कर दे रहे हैं, किससे 10 से गुणा किए, 10 से गुणा करने पर आगे 10x = 21.33, देखिए दशमलव के बाद एक ही संख्या आती चली जा रही है। अब जब एक ही संख्या आती चली जा रही है इसको अब फिर हम एक बार और, यह नहीं कि इसको इसमें से घटा दें, घटा देंगे तो भी मान मिल जाएगा, लेकिन यह देखिए घटाने पर यह दशमलव संख्या पूरी पूरी समाप्त नहीं होगी, इसलिए फिर एक बार गुणा कर दें तो एक बार पुनः 10 का गुणा कर दें तो दशमलव के बाद 3, 3 आना शुरू हो जाएगा, यहाँ भी दशमलव के बाद 3, 3 है, यहाँ भी दशमलव के बाद 3, 3 है, और तब घटाएंगे तो दशमलव संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी, यहाँ घटाएंगे तो यह दशमलव संख्या पूरी कैंसिल नहीं होगी।
तो इसलिए अब समीकरण दो से यहाँ एक बार और गुणा करने के बाद समीकरण तीन से समीकरण दो को घटा दें, 100x - 10x = 213.33 - 21.33, तो इसे घटाएंगे तो 90x = 192 - 192/90। अब तीसरे स्टेप पे चलें। तीसरा स्टेप यह कह रहा है कि 1.153153 यानी यह संख्या तीन अंकों के बाद रिपीट हो रही है। तीन अंकों के बाद रिपीट होने का मकसद यह है कि हमें उस तरह बनाना है कि दशमलव अंक जहां से संख्या रिपीट हो रही है उस रूप में पड़ जाए। तो यहां कितने से गुणा करें, x बराबर इतना मान लें, कितने से गुणा करें कि दशमलव संख्या उसमें बदल जाए। दशमलव इसमें 1000 से गुणा कर दें, देखिए 10 से गुणा करते 1.53 आ जाता, 100 से गुणा करते 115 आ जाता। इसलिए इसे न करके हम पूरी संख्या से गुणा करते हैं, अक्सर यही करते हैं। तो इसमें 1000 का गुणा कर दिए, 1000 का गुणा किए इतना मिल गया। अब देखें इसमें से इसको घटा दें, 1.53 इसमें भी है, यानी यहाँ यह घट सकता है। यहाँ देखिए नहीं, दूसरे में नहीं घटा था लेकिन यहाँ घट सकता है। इसमें घटाने के लिए आप समीकरण दो से समीकरण एक को घटा दें, 1000 में से x और इतना, तो आगे 1952 और x = 1152/99। अब इसको आप इस तरह परिमेय संख्या के रूप में डिनोट कर सकते। तो हाँ बच्चों, इसके पहले जो पढ़े वह था कि हम दशमलव संख्या को किस तरह, अब आपको आता है वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करेंगे। निरूपण करने के लिए आपके बुक में यह है उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम यानी मैग्निफिकेशन विधि, एक जिसे आप कहते हैं सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस, उसके द्वारा संख्या रेखा पर हम देखकर उस दशमलव की, मान लीजिए दिया गया है 2.364, यह संख्या कहाँ पड़ेगी, कैसे निरूपित करेंगे, इसके लिए बहुत छोटी स्केल लेकर बहुत बारीक में उसमें करेंगे। तो उसको करने के लिए आपको सीधा सा नियम देखें, 2.364 पड़ेगा किसके बीच में, यानी संख्या रेखा खींच लें, इस पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह नंबरिंग कर लें। तो हम देखते हैं 2.364 दो और तीन के बीच में आएगा, दशमलव संख्या है यानी तीन पूरा नहीं है, तीन से कम है और दो से ज्यादा है, यानी इसी बीच में पड़ेगा। तो इसके बीच में करने के लिए हम दशमलव की पहली संख्या लेकर चलना शुरू करते हैं, 2.3 यानी दो के बाद 1, 2, 3 दोनों के बीच में 10 छोटे छोटे खानों में बांट लेते हैं। पट्टे देखे हैं तो 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटे छोटे खाने होते हैं, तो वही 10 छोटे छोटे खाने एक दशमलव का मान देता है। तो पहला 0.3 हो गया, यानी 2.3 और हमें दिखाना 2.364, तो पहला स्टेप लिए 2.3, हमें 6 लाना है, तब इसके 2.3 के बाद वाला खाना यानी 2.4, इन्हीं के बीच में 2.36 पड़ेगा। अब इसको दिखाने के लिए 2.3 और 2.4 के बीच में फिर छोटा छोटा 10 खाना बांट लें, जैसे आप लिखते हैं 2.3, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.37, 2.38, 2.39 और फिर 2.4 आ जाएगा। तो हमें लाना क्या है 2.36, तो 2.36 यह हो गया, लेकिन इसके बाद भी अभी 4 को भी लाना है, यानी हमारी संख्या किसमें मिलेगी, यह संख्या 2.36 और 3.7 के बीच में, जो यहाँ देखिए दिखाया गया है 2.36 और 2.37। अब इस पे चले जाएंगे और इस विधि से फिर इसको 10 छोटे छोटे खानों में बांटेंगे, 1, 2, 3, 4 इस तरह करके हम लिखते चले जाएंगे। देखिए 2 अंक लिख लिए, अब दशमलव में चलेंगे तो तीसरी अंक आएगी, तो 2.361, 2.362, 2.363, 2.364 जिसे डिनोट करने के लिए गाढ़ा लाइन कर देते हैं। यही पॉइंट आपका उत्तरोत्तर आवर्धन विधि से होता है और इस तरह आप अपने बुक में अपने कॉपी में हल करेंगे, प्रश्नावली देकर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसे पूरा करेंगे। अब